तहरीके अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश है जो नाकाम होगी। वज़ीर आज़म की सियासी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, कहा आवाम अपोजिशन को मुस्तरद कर चुके जमीर बेचने वाले सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने अदम एतमाद पर फैसला सुना दिया। वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने आलमी साजिश के हवाले से कमीशन कायम करने की हिदायत कर दी। कमीशन आलमी साजिश के जरिए हुकूमत की तब्दीली और तहरीके अदम एतमाद और दीगर अवामिल का जायजा लेगा, रिपोर्ट मुरतब करेगा। हुकूमत का अपोजिशन पर कानूनी वार। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन नवाज ने रिमार्क दिए कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करें, दूसरे फरीक को सुने बगैर कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, फैसला महफूज। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, 4 अप्रैल को तलब। इमरान खान अब मुल्क के आइनी वज़ीर आज़म नहीं। आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा देने वाले वज़रा कल सबसे पहले इमरान के खिलाफ गवाही देंगे। अगर इन वज़रा ने अदम एतमाद में मुदाखलत की तो आर्टिकल 6 उन पर लगेगा। जाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली पर हतमी मुशावरत। अपोजिशन जमातों का इजलास आज सिंध हाउस में होगा। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान इशाया देंगे। इशाया में अरकान की तादाद मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। 4 ऑप्शन पेश कर दिए। कहा पहला ये कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी एक्शन इलेक्शन कराए। दूसरा, साजिश के जरिए तहरीक अदम एतमाद लाने वालों पर गद्दारी के मुकदमात चलाए जाएं। तीसरा, गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वालों को कलदम करार दिया जाए। चौथा ये कि PTI के लोग असम्बली से मुस्ताफी हो जाएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।